जब हम माता रेवा की और माता अहिल्या की कर्म भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को शिल्पी शिवान का हृदय से प्रणाम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी का, जो इन्होंने आकर एक नव चेतना हम सभी के मन में पुरानी पेंशन को लेने के लिए जगाई है। मैं पुनः फिर धन्यवाद देना चाहूंगी आप सभी का कि आप सभी ने अपनी उपस्थिति के साथ हम सभी में वो अलख पुनः जगाई है कि ये जो लड़ाई है ये कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। ये माता अहिल्या की कर्म भूमि पर आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी दिनेश पटेल जी और उनकी समस्त टीम को कि उन्होंने जो ये पेंशन का महाकुंभ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, ये निश्चित तौर पर ही इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे देश के मुखिया से, जो हर मंच से हर जगह से हमें हमारा नेता कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि भाई साहब, भैया जी, देख लीजिए आज ये महाकुंभ महेश्वर की नगरी में, माता अहिल्या की नगरी में लग गया है, तो अब तो आपको देना ही होगा पुरानी पेंशन, प्रथम नियुक्ति दिनांक से आपको बहाल करनी ही होगी। माता अहिल्या की मैं संतान हूँ। माता अहिल्या उन विपरीत परिस्थितियों में आप सबके अपनी प्रजा के न्याय में, सम्मान में हमेशा एक न्यायमूर्ति की तरह खड़ी होती थी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं भी उनकी ही पुत्री हूँ, मैं भी इंदौर की ही बहू हूँ, तो कितनी भी विकट परिस्थितियाँ ही क्यों ना हो, यदि हमारे इतने लाख साथी और उन साथियों के साथ अगर मेरी खुद की भी आग लगी हुई हो, तो उन विपरीत परिस्थितियों से भी मैं उठकर मुझे यहाँ आकर आज आप सबके समक्ष खड़ा होना पड़ा, तो एक बार नहीं कई बार भी अगर मुझे आकर खड़ा होना पड़ेगा तो इन समस्त भाइयों की ये बहन हमेशा आपको खड़ी दिखाई देगी। और मैं आज सबसे ये वादा करती हूँ कि इस पेंशन की लड़ाई में मैं अकेली ही नहीं, हम सब इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे प्रथम लिखित दिनांक से। पुनः ये बात इसलिए बार बार कहनी पड़ रही है क्योंकि अभी बंधु जी से मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने भाई साहब से एक प्रश्न किया कि भाई साहब आपकी नियुक्ति दिनांक क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी नियुक्ति दिनांक 2005 की ही है और वो भी 14 दिन 15 तारीख की है, और 2005 से जो है वो पेंशन बंद की गई, तो मात्र 14 दिन का जो उनका पेंशन लेने वाला जो सफर था वो पीछे हो गया और आज उन्हें इस अलग को पूरे विश्व में जगाना पड़ गया है, पूरे हमारे भारत देश में इसे जगाना पड़ा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मुझसे कहा कि बहन मुझे ये बताओ कि मैं इतने जगह जगह घूमा हूँ भारत में, लेकिन ये प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया, पर मध्य प्रदेश में ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो मैंने उन्हें अपनी एक पीड़ा बताई कि भाई साहब, मध्य प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो भैया जी हैं, हमारे शिवराज जी से चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई साहब हैं, 20 साल से हैं वो यहाँ पर, और उसके पहले हमारे एक और मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे जिनको हमने बता दिया था कि फिर हम क्या हैं। तो हमारा जो अध्यापक संवर्ग है यहाँ, जो शिक्षक संवर्ग है, वो बड़ा पीड़ित है क्योंकि उसकी एक नियुक्ति दिनांक नहीं है, उसकी तीन तीन नियुक्ति दिनांक है, और क्या पता नया कौन सा फिर सा एक समूहा छोड़ दिया जाए तो फिर हमारी नियुक्ति दिनांक फिर वही हो जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं, बंधु जी मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे भाई साहब हम लोगों से कहते हैं जो आंदोलन करेगा हम उसे कुछ नहीं देंगे, जो यहाँ आंदोलन करेगा उसे मैं कुछ नहीं दूंगा, पर देते तभी है जब आंदोलन होता है। कब कब आंदोलन नहीं हुआ इस मध्य प्रदेश में और कब कब मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया ये हमें पता ही नहीं चला। एक छोटी सी पर्ची आई कि समय समाप्त है, तो समय समाप्त होते समय मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि मान
मुख्यमंत्री जी आप ये देख लीजिए, ये तो अभी एक अनुनय और विनय है, यदि आप जिद्दी हो तो ये सिर्फ़ शिवान उससे बड़ी जिद्दी है। आप ओपीएस की लड़ाई को जीत कर बताएंगे और आज महेश्वर की इस महेशमती की भूमि से सौगंध लेते हैं, तब तक नहीं हिलेंगे, तब तक नहीं डगेंगे जब तक कि हम प्रथम नियुक्ति दिनांक से ओपीएस नहीं ले लेते। जय हिंद, जय भारत, जय आजाद भारत।